करंट क्यों आप अपनी जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हो? जागरूकता की कमी है, जागरूकता के अलावा और कुछ समझ में आता नहीं है, जागरूकता करें। आज हमारे साथ ब्लॉक मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर केडी शर्मा मौजूद हैं। जानते हैं उनसे कि किस तरीके से निजी झोला छाप चिकित्सकों के विरुद्ध यह कार्रवाई की रणनीति बना रहे हैं और आगे कब तक इन झोला छाप क्लिनिकों के ऊपर कार्रवाई की जाएगी जिससे आमजन के जीवन को बचाया जा सके और राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं का आमजन को अधिक से अधिक लाभ पहुँचाया जा सके। और जोरारा कस्बे में एक शिकायत प्राप्त हुई थी जोरारा कस्बे की कि किसी नवजात की बच्चे की मृत्यु लापरवाही के कारण किसी निजी झोला छाप चिकित्सक के यहाँ हुई है, जिसकी FIR भी दर्ज उनके परिजनों द्वारा जोरारा थाना में कराई गई थी। उक्तोपरांत CSC इंचार्ज जोरारा के नेतृत्व में 4 सदस्यीय टीम गठित करके कार्रवाई कराई थी। झोला छाप के उन्होंने 5 से 6 संस्थान सील किए थे, उन सभी से सील करके और दस्तावेज मांगे गए हैं। तो CSC इंचार्ज ने अवगत कराया कि भाई जैसे दस्तावेज उनके प्राप्त होंगे उसके अनुसार से नियमानुसार हम कार्रवाई अमल में लाएंगे। दूसरा, बाकी झोला छापों पे कार्रवाई की बात यहाँ तक है कि जोरारा में सब तरह कर लिया है, कामा में भी ये कार्रवाई हम अमल में लाएंगे। साथ ही पब्लिक से आग्रह ये है कि वो 181 पे 181 जो राज्य सरकार ने टोल फ्री चला रखा है उस पर अगर कोई इस तरह का परिवाद या शिकायत दर्ज कराते हैं तो उसके हिसाब से हम तुरंत कार्रवाई करेंगे। प्रतिबद्ध हैं कि किसी भी झोला छाप के कारण कोई पब्लिक में किसी तरह का पब्लिक का हित या जान के साथ खिलवाड़ ना हो। इस तरह राज्य सरकार द्वारा सरकारी संस्थानों में चिकित्सक संस्थानों में बेहतर सुविधा आमजन को दी जा रही है और उसके बाद भी लोग निजी झोला छाप क्लिनिक ऊपर जा रहे हैं, आप आमजन से क्या अपील करना चाहिए? देखिए, आमजन से अपील ये है जब चिकित्सा राज्य सरकार ने सरकारी चिकित्सा संस्थानों में आपके MNJY और मुख्यमंत्री जी की फ्लैगशिप योजना MNDY और MNJY है, जहाँ जाँच सभी निःशुल्क हैं, दवा सभी निःशुल्क दी जा रही है और जो OPD का शुल्क पहले कभी हुआ करता था वो शुल्क भी कुछ नहीं है, तो जब फ्री में सब सुविधाएं मिल रही हैं उसके बाद भी अगर आमजन झोला छाप पे से इलाज कराता है तो ये तो समझ से परे बात है। इसमें ऐसा ही लगता है शायद प्रचार प्रसार या ज्ञान का अभाव महसूस हो रहा है, तो उसके संदर्भ में हम दोबारा प्रचार प्रसार कराएंगे कि भाई जब हम सभी सुविधाएं फ्री दे रहे हैं और कोई चार्ज आपसे नहीं लिया जा रहा, बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराएं, क्यों आप अपनी जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हो? जागरूकता की कमी है, जागरूकता के अलावा और कुछ समझ में आता नहीं है, जागरूकता करें। ये थे ब्लॉक मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर KD शर्मा, जिन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि कामा क्षेत्र में अब झोला छाप क्लिनिक संचालकों के विरुद्ध विशेष अभियान चलाकर उनके विरुद्ध कार्रवाई अमल में लाई जाएगी जिससे आमजन के जीवन को खिलवाड़ होने से बचाया जा सके और उनके स्वास्थ्य को बेहतर से बेहतर राज्य सरकार की अस्पतालों में उपचार दिलाया जाए, जहाँ राज्य सरकार ने सभी अस्पतालों में निःशुल्क और बेहतर उपचार की व्यवस्था कर रखी है।